हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे स्पाइसी सॉसी एंड जूसी चिकन फ्राई की रेसिपी। मैंने यहाँ पे ड्रमस्टिक इस्तेमाल किए हैं, आप कोई सा भी पीस इस्तेमाल करके इसी प्रोसीजर से बना सकते हैं। एक्स्ट्रा क्रिस्पी और खाने में सुपर टेस्टी, ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 5 से 6 लेग पीसेस लिए हैं और इसका जो ऊपर का इस तरह से पोर्शन होता है उसको अपने इस तरह से लंबे स्लिट्स लगा लेने हैं ताकि मैरिनेशन बिल्कुल अंदर तक मुर जाए। तो इस तरह से मैंने एक लेग पीस पर लंबे 4 स्लिट्स लगाए थे। सारे हम इसी तरह से लगा लेंगे और इसको हम साइड में रख देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून विनेगर। आप चाहें तो नींबू का रस थोड़ा सा ऐड कर ले। विनेगर से ये बहुत अच्छे से क्लीन होता है। इस पर अच्छे से मैंने रब कर लिया है और 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। उसके बाद इसको 2 से 3 पानी से आपने वॉश कर लेना है। तो यहाँ देखिए, मैंने 2 से 3 पानी से वॉश कर लिया है, अच्छी तरह से क्लीन हो गया ये। अब हम मसाला बना लेंगे। तो यहाँ पे बोल में मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून विनेगर। आप चाहें तो नींबू का रस ऐड कर लें। साथ में हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो सारे मसाले हम इसी बोल में ऐड करते जाएंगे। साथ में मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून भर के बिल्कुल कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। ये ज़्यादा तेज़ नहीं होता है पर इसमें कलर बहुत अच्छा आता है। साथ में मैंने ऐड कर दिया है 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच मैंने नॉर्मल तीखा लाल, नॉर्मल वाला जो मिर्च होता है वो पाउडर ऐड किया है। साथ में हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा रेड चिली सॉस। ये मैंने ऐड किया था बिल्कुल 1 से 1.5 टेबलस्पून भरकर। हम यहाँ पे स्पाइसी चिकन बना रहे, साथ में हमने इसमें ऐड कर लेना है थोड़ा सा नमक चिकन के हिसाब से। और इन सारी चीज़ों को हम अभी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसके अंदर रेड चिली सॉस वगैरह स्किप कर सकते हैं और सिर्फ लाल मिर्च से भी बना सकते हैं इसको। थोड़ा सा सोया सॉस मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून के आसपास और लास्ट में मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा फूड कलर। तो बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले, हमारा मैरिनेशन तैयार हो गया है। अब हम ऐड कर देंगे इसमें चिकन के पीसेस। ध्यान रहे कि चिकन में ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए वरना पानी में सारे मसाले बह जाएंगे। अच्छी तरह से मसाले कोट हो जाएं इसके ऊपर, अच्छी तरह से निचोड़ ले, पानी पूरा उसका ड्राई कर ले और फिर इसके हर कट्स में आपने इस तरह से मसालों को अंदर तक रब कर लेना है। जब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए तो इस स्टेज पर आपने कम से कम इसको 1 से 1.5-2 घंटे के लिए रख लेना है ताकि मसाला अंदर तक मूर जाए। इससे ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बन के तैयार होता है और अंदर से फीका नहीं लगता है फिर। तो बस अब इसको हम कवर कर लेंगे और साइड में छोड़ देते हैं 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो यहाँ देखिए 1 से 1.5 घंटा ऊपर हो चुका था। मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप बिल्कुल ऊपर तक भरकर कॉर्नफ्लावर। इससे ऊपर की कोटिंग बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होती है। इसके अलावा मैंने इसमें कोई भी दूसरी चीज़ इस्तेमाल नहीं की थी। आप चाहें तो थोड़ा सा चावल का आटा और उसके साथ मैदा या फिर बेसन मिक्स करके ऐड कर सकते हैं। सिर्फ चावल के आटे से चावल का आटा बिल्कुल बिखर कर तेल में निकल आता है, इसीलिए आप सिर्फ चावल के आटे से नहीं बनाएंगे। कॉर्नफ्लावर मैंने सिर्फ इस्तेमाल किया है, इसमें तो कुछ ऐड नहीं किया था, पर चावल के आटे के साथ आपको थोड़ा सा बेसन मिक्स करना पड़ेगा। बहुत अच्छे से दबा दबाते इसको आपने हर तरफ से कोट कर लेना है और फिर थोड़ा सा आप झटक लें ताकि इस तरह से एक्स्ट्रा बैटर जो है उसके ऊपर लगा हुआ जो फ्लावर है वो निकल जाए। आप इसको इस तरह से कोट करके फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़र में, और फिर जब आपको उसको फ्राई करना है तब आप निकाल कर इसको फ्राई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर तेल बहुत अच्छे से तेज़ आंच पर गर्म होना चाहिए, बहुत गर्म तेल में आपने ऐड करना है ताकि उसके ऊपर जो हमने कोटिंग की है वो निकले नहीं। एक बार आप इसमें सारा ऐड कर ले उसके बाद आपने तुरंत फ्लेम बिल्कुल लो कर लेना है। लो फ्लेम पर मैंने इसको कम से कम 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था और फिर इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से पलट लिया है। तो आप देख सकते हैं कोटिंग उसके ऊपर जम गई है अच्छे से। अब इसको लो मीडियम फ्लेम पर कम से कम 8 से 10 मिनट मैंने कुक किया है। बीच बीच में अलट पलटते हुए आपने इसको फ्लिप कर लेना है ताकि हर तरफ से आँच बराबर लगे और कलर बराबर आए इसको। यहाँ देखिए गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर लिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये तैयार हो गया है। कलर भी इसका डार्क हो गया है, बिल्कुल क्रिस्पी ऊपर से और अंदर से बहुत ही स्पाइसी और जूसी। तो ड्रेन कर लेते हैं इसको और अब निकाल लेंगे एक एब्जॉर्बेंट पेपर के ऊपर। आप इसको सर्व कर सकते हैं
सॉस के साथ, मेयोनेज़ के साथ बहुत ही ये क्रिस्पी बनके तैयार होता है। ज़रूर ट्राई करिएगा, और हमेशा की तरह रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक गुड केयर। बाय।